नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वास्तव में e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, जिसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने आर्टिकल में सीखा है कि पहले इस e की पावर x का अंतर गुणा करते हैं, तो दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे हमारे पास। पहला बन जाएगा e की पावर x इंटू कोट एक्स डी एक्स प्लस दूसरा बन जाएगा e की पावर x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। यदि हम लोग लॉग साइन एक्स का एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा एक बटे साइन एक्स, ये कि लॉग का अवकलन, और साइन एक्स का अवकलन बन जाएगा कोस एक्स, यानी ओवरऑल बन जाएगा कोट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लॉग साइन एक्स की बात करते हैं तो उसका अवकलन कोट एक्स हमारे पास मौजूद है, तो हम लोग इस कोट एक्स वाले पद को बिना कुछ सॉल्व किए सिर्फ इसको खंडशह समाकलन से हल करते हैं, जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। इस पार्ट को हमें इंटीग्रेट नहीं करना है। इस बेस पर यदि इसका इंटीग्रेशन करके तो फर्स्ट पार्ट को हमने एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड पार्ट में यदि हम खंडशह समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड है e की पावर x, जिसका इंटीग्रेशन भी होगा e की पावर x माइनस एक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि अभी अभी हमने ज्ञात किया है कोट x, और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। यदि आप पहले और आखिरी इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। शेष बचेगा e की पावर x इंटू log sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग साइन 2x के ऊपर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और बटे में है 1 प्लस कोस 2x, जिस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में है dx। अब इस क्वेश्चन के हम लोग दो पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बनेगा 2x बटे में 2 कोस स्क्वायर एक्स, जिसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और कोस स्क्वायर एक्स एक्स जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एक्स इंटू में सेक्स स्क्वायर एक्स और dx। अब इस पार्ट को सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल और कोस से कोस कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ टेन एक्स इंटू dx। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा x इंटू में एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों ने सीखा है। सेम पिछले पार्ट के जैसे ही हम लोग ध्यान दें तो टेन एक्स का अवकलन हमारे पास है sec स्क्वायर x, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व ना करते हुए हम लोग सिर्फ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और उसके लिए भी हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसके साथ जो वन है उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, पहले पार्ट को एज इट इज छोड़ दिया एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, दूसरे पार्ट में एन एक्स को छोड़ते हुए वन का इंटीग्रेशन करें एक्स माइनस एक इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट का अवकलन बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स। इस बेस पर ये दोनों इंटीग्रेशन खत्म हो जाएंगे, शेष बचेगा एक्स एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ई की पावर एक्स को बाहर रखते हैं, वन माइनस साइन एक्स के स्थान पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो दो साइन एक्स बटे दो और कोस एक्स बटे दो, और बटे में वन माइनस कोस एक्स पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो दो साइन स्क्वायर एक्स बटे दो, और गुणा में आ जाएगा डी एक्स। अब इसमें पहले इन दो पदों का भाग करते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर x बाहर, यहाँ पर बन जाएगा एक बटे दो, और साइन स्क्वायर ऊपर आएगा तो कोसेक्स स्क्वायर एक्स बटे दो। अब इन दो पदों का यदि भाग करें तो दो से दो कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, बचेगा माइनस कोट एक्स बटे दो और डी एक्स, जो कि e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है। और ऐसे पदों का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग एफ डैश एक्स वाले पद को सॉल्व नहीं करते। अब बिल्कुल आर्टिकल की तरह सॉल्व करने के लिए पहले इसके दो पार्ट बनाते हैं, e की पावर x से अंदर गुणा करते हुए। तो पहला पार्ट बन जाएगा एक बटे दो e की पावर x और कोस एक्स स्क्वायर एक्स बटे दो और डी एक्स इंटीग्रेशन। दूसरा पार्ट में माइनस को इंटीग्रेशन के अंदर रखना चाहें तो आप अंदर रखिए, बाहर रखना चाहें तो बाहर कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कोट एक्स बटे दो और डी एक्स। अब यदि आप फोकस करेंगे तो कोट एक्स बटे दो का अवकलन हमारे पास कोस एक्स स्क्वायर एक्स बटे दो
और 1/2 मौजूद है, तो इसलिए हम लोग इस सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। पहले पार्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले पार्ट को लिखा एज इट इज, चाहें तो आप कॉन्स्टेंट को बाहर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें माइनस को बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट यानी कोट x 2 का अवकलन बन जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर x 2 और x 2 का अवकलन करेंगे तो 1/2। उसके साथ साथ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस आ जाए e की पावर x और dx कोष्ठक बंद। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 e की पावर x और कोस एक्स स्क्वायर x 2 dx इंटीग्रेशन, इस माइनस का गुणा अंदर करूं तो बन जाएगा माइनस e की पावर x इंटू कोट x 2। यहाँ पर यदि हम माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं 3 माइनस, जिससे ओवरऑल वैल्यू आएगी माइनस, इंटीग्रेशन में है 1/2 कोस एक्स स्क्वायर x 2 और e की पावर x और dx। अब पहला और आखिरी पद हो जाएंगे कैंसिल, शेष बचेगा माइनस e की पावर x इंटू कोट x 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग मानक रूप में बदलने के लिए पहले इस पद के साथ माइनस 1/x लिखते हैं और प्लस 1/x लिखते हैं और आगे चल रहा है प्लस 1/x² और dx। अब इसको हम यहाँ से दो पार्ट में चेंज करते हैं e की पावर x का अंदर गुणा करते हुए, पहले इस पार्ट के साथ, तो बन जाएगा e की पावर x इंटू log x माइनस 1/x dx प्लस दूसरा e की पावर x का गुणा इसके साथ, तो आ जाएगा e की पावर x इंटू 1/x प्लस 1/x² इंटीग्रेशन और dx। यदि आप फोकस करेंगे तो log x माइनस 1/x का अवकलन यहाँ मौजूद है, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वास्तव में e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, और इसको आर्टिकल की तरह हल करने के लिए हम लोग इस पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे और इस पार्ट के अंदर इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लेंगे सेकंड फंक्शन। इस बेस पर खंडशः समाकलन की विधि से फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन यानी इसका अवकलन जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है वो आ जाएगा 1/x प्लस 1/x² और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। इस पार्ट को सॉल्व नहीं करना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x प्लस 1/x² और dx, जिससे ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचेगा e की पावर x इंटू log x माइनस 1/x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम e की पावर x का अंदर गुणा करके इसको दो पार्ट में बनाएं तो बन जाएगा e की पावर x इंटू log sec x प्लस tan x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में sec x dx। इस पद का अवकलन हमारे पास यहाँ मौजूद है क्योंकि यदि हम लोग sec x प्लस tan x का एक बार अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा log का अवकलन 1/2 sec x प्लस tan x इंटू, और यदि हम इसका अवकलन करेंगे अंदर वाले पार्ट का तो sec का बन जाएगा sec इंटू में tan और tan का बन जाएगा sec स्क्वायर x, जिसमें अंश में से sec x कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा sec x प्लस tan x और अपॉन में है हमारे पास sec x प्लस में tan x, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू बच जाएगी sec x। इस बेस पर हमारा ये क्वेश्चन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के जैसा है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर हम लोग अब इंटीग्रेशन करेंगे। जिस पार्ट में अवकलन होता है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका अवकलन मौजूद है उसको फर्स्ट फंक्शन और बचे हुए को हम मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, यानी इसमें हम फर्स्ट इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करेंगे खंडशः समाकलन विधि से, जिससे हमें मिलेगा फर्स्ट को हमने एज इट इज छोड़ दिया और सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन जो कि हमने पीछे ज्ञात किया वो है sec x,
सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन, प्लस में हमारे पास एक इंटीग्रेशन ऑलरेडी चल रहा है e की पावर x इंटू sec x और dx, ये वाले दोनों पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचेगा e की पावर x इंटू log sec x प्लस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए e की पावर x और sec square x का हम अंदर गुणा करते हैं और इसको दो पार्ट में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बनेगा e की पावर x इंटू साइन x, और ये जो sec square x है इसको हम लोग लिख रहे हैं sec x अपॉन cos x, और dx प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x cos x, और ये जो sec square x है इसको लिख रहे हैं हम लोग sec x अपॉन cos x और dx। इससे फर्स्ट पार्ट में आएगा e की पावर x, साइन बटे कोस बन जाए टेन एक्स, और sec x को हम पहले लिख देते हैं sec x इंटू में टेन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर कोस से कोस को कैंसिल कर दें तो बचेगा e की पावर x इंटू में sec x। अब हम लोग जानते हैं कि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू में टेन एक्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में मानकर ही आगे सॉल्व करने वाले हैं, और उसके लिए हम जानते हैं कि जिस पद का अवकलन मौजूद हो उसी को ही फर्स्ट मानते हैं और दूसरे को सेकंड, और जिसमें अवकलन मौजूद हो उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को लिख देते हैं एज इट इज, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन शुरू करते हैं खंडशः समाकलन से। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि आएगा sec x इंटू में tan x, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx। इससे पहला और आखिरी इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचेगा e की पावर x इंटू sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसमें e की पावर x का अंदर गुणा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर पहला इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x इंटू माइनस दो बटे एक्स क्यूब और dx। इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का अवकलन बनता है माइनस दो बटे एक्स क्यूब, तो हमारा क्वेश्चन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, जिसमें हम लोग जिसका अवकलन मौजूद है उसको फर्स्ट, शेष को सेकंड फंक्शन, और इस वाले पार्ट में जिसमें अवकलन मौजूद है उसको सॉल्व नहीं करेंगे आर्टिकल के जैसे ही। तो फर्स्ट पार्ट में यदि खंडशः समाकल विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि आएगा माइनस दो बटे एक्स क्यूब, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, और आखिर में इस माइनस को यदि बाहर शिफ्ट कर लें तो बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x दो बटे एक्स क्यूब और dx। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा कर दें तो बाहर बन जाएगा प्लस, इस हिसाब से दोनों के दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे कैंसिल, शेष बचेगा e की पावर x इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे मानक रूप में बदलने के लिए e की पावर x को बाहर रखते हैं और इनके होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले पद का स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिख देते हैं होल स्क्वायर और dx, जिसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x, इस पार्ट को और इस पार्ट को कर लेते हैं अलग अलग, तो बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और dx। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x, ये वाले पद आपस में हो सकते हैं कैंसिल, तो शेष बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x का साथ में अंदर भी गुणा कर रहा हूँ और इसको दो इंटीग्रेशन में चेंज कर रहा हूँ dx, माइनस इस माइनस को बाहर रखा इंटीग्रेशन e की पावर x 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और dx। यदि हम ध्यान दें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक बार अवकलन करने पर हमें मिलेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1, जिसमें घात आगे और घात में 1 की हो जाएगी कमी,
उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का यदि हम अवकलन करें तो बन जाएगा 2x, ओवरऑल हमें प्राप्त होगा माइनस 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अब e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, जिसको आर्टिकल की तरह हल करने के लिए इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसे सेकेंड फंक्शन, इस पार्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इंटीग्रेशन पर यदि खंड से समाकलन विधि का उपयोग करें तो फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन जो कि हमने अभी भी ज्ञात किया है माइनस 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, और अंत में हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वायर और dx। ये माइनस माइनस खत्म हो गए, बन जाएंगे प्लस, इससे ये दोनों पार्ट आपस में कैंसिल होंगे तो शेष बचेगा e की पावर x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में फंक्शन हमारे पास है थीटा के रूप में, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन भी थीटा के सापेक्षी करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करेंगे, उसके बेस पर इस फंक्शन के अंदर है लोग तो एल और ये है टी, तो इसके बेस पर ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। अब हम जानते हैं कि हमें फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करना पड़ता है और सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो अब पहले ही हम लोग इस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन ज्ञात कर लेते हैं, और इस फर्स्ट फंक्शन का हम लोग अवकलन करने के लिए पहले एक छोटा सा काम कर रहे हैं जिससे इसका अवकलन ईजी हो जाए। इसके अंदर वाले पद में अंश और हर में हम लोग कोस थीटा का भाग देते हैं, जिससे हमारा ये पद बन जाएगा, अभी हमने अवकलन करना शुरू नहीं किया है, लोग कोस में कोस का भाग दें तो 1, साइन में कोस का भाग दें तो बन जाएगा टेन थीटा, इसी हिसाब से बटे बनेगा 1 माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को एज इट इज रखते हुए 1 और यहाँ पर गुणा में जो 1 है उसको लिख लेते हैं टेन पाई बटे 4, तो बन जाएगा टेन पाई बटे 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बटे 4 और टेन थीटा। इसके बेस पर इसका आंसर बन जाएगा डी बटे डी थीटा, अभी हमने अवकलन करना शुरू नहीं किया है लोग, और ये बन रहा है टेन ए प्लस बी का सूत्र, यानी बन जाएगा टेन पाई बटे 4 प्लस थीटा। अब हम इस स्टेप का अवकलन करेंगे, तो पहले अवकलन होगा लोग का, तो बन जाएगा 1 अपॉन टेन पाई बटे 4 प्लस थीटा, उसके बाद अंदर वाले पद यानी हम करेंगे टेन का अवकलन, तो बन जाएगा sec स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस थीटा, और यदि हम पाई बटे 4 प्लस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो उत्तर प्राप्त होगा 1। इसको यदि हम साइन कोस में बदल लें तो ये बन जाएगा कोस पाई बटे 4 प्लस थीटा बटे साइन पाई बटे 4 प्लस थीटा इंटू sec स्क्वायर को कोस में बदलें तो बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस थीटा, जिसमें एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। शेष बचे हुए पद में हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं 2 का, और ठीक करके लिखें तो बन जाएगा 2 बटे में 2 साइन पाई बटे 4 प्लस थीटा और कोस पाई बटे 4 प्लस थीटा। ऊपर 2 को सेम रखते हैं, नीचे है 2 साइन ए कोस ए जो कि बन जाएगा साइन 2a, और a की जगह कौन है पाई बटे 4 प्लस थीटा, जिसमें 2 का अंदर यदि हम गुणा करें तो हमारे को अगला पद मिल जाएगा 2 बटे में साइन 2 से गुणा करने पर बन जाएगा पाई बटे 2 प्लस 2 थीटा, जिसको हल करें तो 2 ऊपर ठीक है और साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा, यानी ओवरऑल हमारे को फर्स्ट फंक्शन का जो अवकलन है वो हमें प्राप्त होगा 2 बटे में कोस 2 थीटा, जिसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आई का खंडशः समाकलन विधि से इंटीग्रेशन करें, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और सेकंड है कोस 2 थीटा, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन 2 थीटा बटे में 2 माइनस इंटीग्रेशन जिसके अंदर फर्स्ट का अवकलन जो कि हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया है, सेकंड का इंटीग्रेशन और बटे में 2 डी थीटा। इस फर्स्ट पार्ट को तो लिख देते हैं एज इट इज, सेकेंड पार्ट में 2 से 2 को कैंसिल कर और साइन बटे कोस बन जाएगा टेन, और जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा लोग सेक 2 थीटा, और थीटा के साथ गुणा में 2 है तो भाग में आ जाएगा 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।
अब इसके आंसर को मैच करने के लिए इसके फर्स्ट पार्ट को रखते हैं हम लोग एज इट इज, और यदि हम चाहें तो लोग के अंदर वाले पद पर मोड का यूज़ हो सकता है। इस माइनस को हम लोग की घात में या लोग के अंदर वाले फलन की घात में शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा प्लस, बटे वाले दो को बाहर, और यहाँ पर बन जाएगा सेक की पावर माइनस एक, जिसका मतलब होता है एक बटे सेक, जो कि बन जाएगा कोस, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हमें एक सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व करना है, और उसके लिए पहले हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि नीचे वाले फलन यानी कि x cos x माइनस साइन x का एक बार अवकलन करने पर हमें कौन सा पद मिलता है। तो इसमें यदि हम u इंटू v का यूज़ करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन, इसी हिसाब से इसका अवकलन करूँगा तो बन जाएगा माइनस और cos x, जिसमें ये वाले पद कैंसिल होकर ओवरऑल वैल्यू बचेगी माइनस एक्स बटे में सॉरी एक्स इंटू में साइन एक्स। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन आई के अंदर अंश और हर में साइन एक्स का गुणा कर देते हैं, और एक एक्स को एक साइन एक्स के साथ यूज़ करते हैं और एक एक्स को बटे वाले साइन एक्स के साथ यूज़ करते हैं, यानी ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा एक्स बटे में साइन एक्स और डी एक्स। अब इस बात का मोटिव हमारे पास ये है कि यदि हम सिर्फ इतने पार्ट को देखें तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, और जिस पद का इंटीग्रेशन हो सकता है उसे हम हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं, और अवकलन तो हम किसी भी फलन का ज्ञात करना जान ही सकते हैं। इस बेस पर हम इसको खंडशः समाकलन की विधि से हल करने वाले हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन ये वाला, और हम जानते हैं कि जब हम लोग फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो इसमें u बटे v से हल करेंगे, तो v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन, और बटे में आ जाएगा v का स्क्वायर, यानी ओवरऑल इसको हल करें तो बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, और बटे में होगा साइन स्क्वायर एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक। इसी के साथ साथ हमें दूसरे पद का इंटीग्रेशन भी होता है करना, तो यदि हम इसके ऊपर फोकस करें तो हम लोग पहले ही इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। इसके अंदर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स को हम मान लेते हैं टी, और इसका अवकलन अभी अभी हम लोगों ने किया, जो कि प्राप्त होगा माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। माइनस को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू दी माइनस डी टी। इस बेस पर इस इंटीग्रेशन का मान बन जाएगा ऊपर वाले पद की जगह माइनस डी टी, और बटे में आ जाएगा टी स्क्वायर, और माइनस एक बटे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा एक बटे टी। टी का मान हमने यहाँ पर लिख रखा है एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो बन जाएगा एक बटे में एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। इस बेस पर हमारा मेन इंटीग्रेशन जो है, जिसको हम खंडशः समाकलन विधि से हल करने वाले हैं, उसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को खंडशः समाकलन विधि से हल करते हुए आगे चलें तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमें ये वाला पद मिलेगा जो कि है एक बटे में एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट एक्स बटे साइन एक्स था जिसका अवकलन हमने समीकरण एक में ज्ञात किया है, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये हमारे पास रखा हुआ है, और इसका फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट पार्ट को हम छोड़ देते हैं एज इट इज। सेकंड पार्ट में यदि हम ध्यान दें तो इनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो इस स्टेप में से माइनस कॉमन लेके बाहर शिफ्ट करेंगे तो बाहर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और अंदर हमें प्राप्त होगा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, जिसमें ये वाले स्टेप आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर को हम यदि ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स। फर्स्ट स्टेप को लिखते हैं एज इट इज। सेकेंड स्टेप में आ जाएगा कोसेक्स स्क्वायर एक्स,
जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कोटेक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर को मैच करने के लिए हम लोग कोटेक्स को साइन और कॉस में बदल देते हैं। अब इन दो स्टेप में से बटे वाला जो है साइन एक्स वो आ जाएगा कॉमन शेष, और इस कोष्ठक वाले पद का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा बाहर है एक बटे में साइन एक्स, यहाँ पर एलसीएम ले तो एक्स और एक का गुणा बन जाएगा एक्स, इनका गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, अपॉन में आ जाएगा एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसमें से कॉमन ले सकते हैं एक्स, तो शेष बचेगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, और अब अंश में से कॉमन आ सकता है साइन एक्स, तो बाहर बन जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, अंश में शेष बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जिसमें साइन से साइन और शेष बचा हुआ पद ही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पहले हम लोग कोस इनवर्स एक बटे एक्स को इनवर्स फंक्शन में बदलते हुए लिख लेते हैं सेक इनवर्स एक्स और डी एक्स। अब यदि हम खंडशह समाकलन विधि की बात करें तो यह है इनवर्स फंक्शन आई, और इसके साथ कुछ नहीं है एक जो कि एक्स की पावर जीरो यानी ए के जैसे बन सकता है। तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया और एक को सेकंड फंक्शन लेते हुए इसका इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन का रूट, और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट बन जाएगा एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स माइनस इस पद में एक्स से एक्स कैंसिल होकर बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन का रूट और डी एक्स। सेकेंड पार्ट में जो इंटीग्रेशन है वो वास्तव में एक बटे में एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के रूट के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसको हम लोग हल करना जानते हैं, और इसका उत्तर होता है लॉग एक्स प्लस में सेम रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो एक्स इंटू में सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस में सेम रूट यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वन का रूट और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 22। इसको हल करने के लिए हम लोग इनवर्स फंक्शन वाले पद को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसके साथ वन को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, और खंडशह समाकलन विधि से इसको हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट पद का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा तो बन जाएगा टू साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद यदि हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करें तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि एक्स और डी एक्स। जिसको थोड़ा हल करें तो फर्स्ट स्टेप हम लोग लिख देते हैं एज इट इज, सेकंड में हम लोग कॉन्स्टेंट को बाहर करते हुए इसको ठीक करके लिखें तो ये बन सकता है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और डी एक्स, और ये वाला इंटीग्रेशन हमने क्वेश्चन नंबर 9 में हल किया है तो ठीक इसको उसी के जैसे हल करने के लिए साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे टी, क्योंकि इसका अवकलन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट हमारे पास मौजूद है तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और डी एक्स इज इक्वल टू दी डी टी। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से एक्स का मान हमें प्राप्त हो सकता है साइन टी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप एज इट इज माइनस दो इंटू में इसकी जगह टी आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डी टी, शेष बचा एक्स उसके स्थान पर हम लिख देंगे साइन टी, तो हमारे पास आ जाएगा टी इंटू में साइन टी। अब हम इस इंटीग्रेशन को खंडशह समाकलन विधि से हल करें तो इलेट के अनुसार ये हमारे पास है साइन यानी ये बनेगा टी के जैसा, और यह है एक्स के जैसा जो बन जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन ए के जैसा। इस बेस पर यह फर्स्ट फंक्शन होगा और यह सेकंड फंक्शन, इस पार्ट को सेम लिखते हैं माइनस और दो कोष्ठक लगा के बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन खंडशह समाकलन विधि से करते हैं
इसमें फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का इंटीग्रेशन और dt, जिसको थोड़ा हल करने के लिए x इंटू में साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस दो का अंदर गुणा करते हैं तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2t और cos t। यहाँ पर यदि हम माइनस देखें तो उनकी संख्या बन रही है 3, तो बन जाएगा माइनस 2 और इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ cos, और cos का इंटीग्रेशन बन जाएगा sin t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग t वाले पदों को ख़त्म करेंगे और उसके लिए हमारे पास ध्यान से देखें तो सिर्फ यदि हम t देखें तो उसका मान है साइन इनवर्स x, साइन t देखें तो उसका मान है x, लेकिन cos t का मान हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम cos t के स्थान पे लिखने वाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t का रूट। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, तो हमारा आंसर बन जाएगा x साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में t के स्थान पर आ जाएगा साइन इनवर्स x और साइन t के नाम पर आ जाएगा x। इसी हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 9.6 पूर्ण होती है। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।